लखनऊ में भाजपा के कील कांटे दुरुस्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इस बार का दौरा वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर में चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहेगा। वाराणसी में अमित शाह जहां प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें चुनाव और संगठन के प्रभारियों और पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्वाचन क्षेत्र के से शाह हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुनाव प्रबंधन के टिप्स देंगे। वहीं 13 नवंबर को यशपालपुर, आजम बांध, आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ जन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। 2014 में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। इस जिले पर भाजपा की खास नजर है। आपको बता दें कि बीते चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वांचल में बढ़त बनाने वाला सूबे की सत्ता पर काबिज होता रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम पूर्व के जिलों में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले ताबड़तोड़ पूर्वांचल के जिलों में ही दौरे और कार्यक्रम किए। अब गृह मंत्री अमित शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रदेश से आए पार्टीजनों संग सत्ता में वापसी को लेकर चुनावी मंथन करेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ कार्यक्रम आज अमित शाह यूपी के दौरे पर है? बिल्कुल आशीष, सबसे पहले बता दें 2017 में 14 वर्ष के वनवास के बाद जिस तरीके से 300 प्लस की सीट लेकर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी थी, उसी की तर्ज पर 2022 वाले चुनाव में भी 300 प्लस का नारा इस बार बीजेपी लेकर तैयार है और उसी के दृष्टिगत आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं भाजपा की तरफ से, तब से लेकर आज उनका तीसरा दौरा है। वहीं अमित शाह भी इस बात को आज कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आए हुए हैं कि जो संगठनात्मक उनकी पूरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के मन में जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और 403 विधानसभा सीटें जो हैं, उन 403 विधानसभा सीटों पर भी यह फैसला होगा कि आखिर जो विधानसभा का वोटर है और जो बूथ के जो वोटर है और कार्यकर्ता है, उनके दृष्टि में पार्टी के पक्ष में 300 प्लस का जो नारा लेकर चल रही है पार्टी, उस पर क्या विचार है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज है जिस पर कार्य करने की जरूरत है अभी भी पार्टी को। और इसी के दृष्टिगत आज 3 घंटे की जो रणनीति पर मंथन वाराणसी में होगा, उसी के लिए अमित शाह आए हुए हैं और इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रदेश भाजपा के ही प्रभारी राधा मोहन सिंह भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी होंगे और महामंत्री संगठन के महामंत्री सुनील बंसल की भी मौजूदगी होगी। ये सभी मिलकर कार्यकर्ताओं से इस बात पर भी बात करेंगे और विचार करने को कहेंगे कि आखिर बूथ पर जहां पे भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की थी 2017 में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर भाजपा फिलहाल कमजोर थी और जहां पर लगभग अभी भी वो 70 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा ने आज तक जीत दर्ज नहीं की है, तो उन 70 सीटों पर भी जीतने पर विचार होगा। और इसके साथ साथ सपा का गढ़ यानी आजमगढ़, जहां पर अखिलेश यादव सांसद भी है, उस गढ़ में कैसे सेंध लगाई जा सके, इस पर भी विचार होगा। आशीष, बिल्कुल कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अब एक्शन मोड में आ चुका है केंद्रीय नेतृत्व। जी बिल्कुल, एक्शन मोड पे है क्योंकि जैसा कि पहले बताया आशीष कि 70 वो सीटें जहां पे भाजपा आज तक नहीं जीती है, उन 70 सीटों पर कैसे सेंधमारी की जाए और आखिर क्या वजह रही है कि उन 70 सीटों पर आज तक भाजपा खाता भी नहीं खोल सकी है, तो इन 70 सीटों पर विशेष रूप से और जिन 300 प्लस सीटों पर भाजपा ने पिछला चुनाव जीता है, उन पर भी विचार होगा कि उन सीटों पर क्या जो वोटर थे वो खुश हैं भाजपा की पार्टी के विधायकों से और उनके कार्यकाल से, और जिनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं है उन पर भी जरूर कार्रवाई की जाएगी और इस बात को जरूर बल दिया जाएगा कि आने वाले चुनाव में या तो उनकी सीटें विधायकों का टिकट छीनेगा और या फिर अगर नया दावेदार आएगा तो वो कौन होगा जो जनता के बीच में पिछले 5 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में खड़ा है और कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व भी अब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह